हेलो 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 एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू सीक्रेट आस्था। आज बात करेंगे कि अगर अपन को वेट लूज़ करना रहता है तो अपन थोड़ी सी डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं, यानी कि लिक्विड फूड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जूस ज़्यादा पीते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं, नींबू पानी ज़्यादा पीते हैं। यानी कि जब अपन को अपना आइडल वेट को लूज़ करना रहता है तो अपन को थोड़ा बहुत एक्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि अपन थोड़े से जो जंक फूड्स हैं, जो ऑयली फूड्स हैं, उनको अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि अपन को बहुत ध्यान रखना रहता है अपने शरीर का कि मैं इस वेट में अच्छी दिखूंगी, मुझे इस ड्रेस में फ़िट होना है। अब ये तो बात हो गई, अपन अपनी बॉडी का इतना ख्याल रखते हैं, पर व्हाट अबाउट आवर माइंड, अपने दिमाग का उतना ही ख्याल क्यों नहीं रखते? क्या दिमाग को भी किसी मेंटल डाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है? जी हाँ, एक दिमाग को भी मेंटल डाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो अगर अपन को अपने दिमाग को भी ये वाली डाइटिंग देनी है कि आप पॉजिटिव रहो, आप पॉजिटिव सोचो, तो उसके लिए आपको अपनी लाइफ से कुछ चीज़ों को कट ऑफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगी कि कौन से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको खुद को दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो सबसे बड़ा पॉइंट बनता है अपनी नेगेटिविटी का, वो होते हैं अपना खुद का मन, यानी कि अपने खुद के विचार, जो सेल्फ टॉक अपन खुद से करते हैं, वही सबसे बड़ा दुश्मन बनता है अपने मैनिफेस्टेशन को ना पूरा होने के लिए। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दिन में खुद से बात करने की प्रैक्टिस करते रहो, छोटे छोटे पॉइंट्स में खुद को समझाते रहो। नो, किस किस ने थ्री इडियट्स देखी है सबसे पहले तो कमेंट में वो बताना मुझे, और आमिर खान क्या डायलॉग बोलता है थ्री इडियट्स में, सबसे ज़्यादा डायलॉग वो भी बताना। आई होप समझ गए आप लोग कि क्या बोलना है आप लोगों को। आप लोगों को खुद से ये बोलना है ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, सब कुछ सही होगा, सब कुछ सही होगा। ये अफर्मेशन आप दिन में जितनी बार खुद को बोलेंगे और महसूस कराएंगे कि यस, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, आज के दिन मेरे साथ बहुत अच्छा होने वाला है, ऐसा जब आप खुद को रिपीटेड अफर्मेशन देंगे तो आपका माइंड ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेगा कि जो होगा आज के दिन बहुत बेहतरीन होगा। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट कैसे लेना है। सेकेंड पॉइंट में भी अगर आपका किसी से कोई रिश्ता ख़राब है और आप उसे बिल्कुल ठीक ही नहीं करना चाहते, वो पर्सन से आपको बात ही नहीं करनी, तो उस चीज़ को किस तरीके से इग्नोर किया जाता है? ऐसे सवाल मुझे बेसिकली हाउसवाइफ बहुत पूछती है। अगर आप किसी इंसान से आपका झगड़ा हो चुका है और आप उसे सॉल्व नहीं करना चाहती, मीन्स कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको नहीं लगता कि आपको दोबारा उस पर्सन से बात करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी लाइफ में अगर एंट्री लेगा या लेगी तो दोबारा से टॉक्सिक सिचुएशन भी वो अपने साथ ही लेके आएगी। तो इस सिचुएशन में क्या करना है? अगर वो आपके ही फैमिली मेम्बर में से कोई एक पर्सन है जिससे आप बात नहीं करना चाहते, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनसे आई कॉन्टैक्ट ही करना बंद कर दें। मीन्स अगर आप लोग एक ही घर में रहते हैं और आप लोग बात नहीं करना चाहते हैं, तो बस सिंपली आप आई कांटेक्ट करना बंद कर दीजिए और जस्ट अफर्म कीजिए कि मैं खुद में बहुत खुश हूँ, मैं खुद में बहुत खुश हूँ। तो आप उस पर्सन से ही आई कांटेक्ट नहीं करेंगे तो वो आपसे भी आई कांटेक्ट नहीं कर पाएगा या नहीं कर पाएगी। तो इस तरीके से आप किसी टॉक्सिक पीपल से दूर रह सकते हैं जो आपके ही घर में हैं और आप उनसे बात करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनने कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी थी जिसकी वजह से आपकी लाइफ में थोड़ी सी इशूज़ आ गए। और अपनी मेंटल डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि छोटी छोटी बात में अपन लोग पैनिक हो जाते हैं, छोटी छोटी बात में परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये चीज़ और ऐसा रिएक्शन आना बहुत नॉर्मल है और ये चीज़ भी आपके इमोशंस को दर्शाती है। बट अगर आप अपने मेंटल डाइट को बहुत हैप्पी रखेंगे और सुबह डेली ये अफर्म करेंगे कि आज मेरी लाइफ में जो होगा आज के दिन वो बहुत बेहतरीन होने वाला है, यूनिवर्स ने मुझे आज का दिन गिफ्ट किया है, आज जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा, यकीन मानिए आप अगर सो के उठिए सिर्फ ये अफर्म करेंगे ना कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा होगा, तो जो भी बुरी चीज़ आपकी लाइफ में या उस दिन में होने वाली होगी ना, वो चीज़ वहाँ पे ही स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि आपका सब कॉन्शियस माइंड ये एक्सेप्ट कर लेगा कि आज जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि अगर पूरा दिन अफर्मेशन नहीं दे सकते, बट एटलीस्ट सुबह उठने के बाद थोड़ा सा अफर्मेशन खुद को ज़रूर दिया करो, क्योंकि आप सुबह जब चार्ज हो जाते हैं तो वो एनर्जी पूरे 24 घंटे चलती है। तो ये थे कुछ बेसिक पॉइंट्स कि आपकी मेंटल डाइट को ठीक करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि आपकी मेंटल डाइट ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है आपकी लाइफ में।
बट इन सारी चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है आप कैसा फील कर रहे हैं, आपको क्या महसूस हो रहा है, आप किस सिचुएशन में कैसा रिएक्शन दे रहे हैं, आप खुद से कितना प्यार करते हैं, आप खुद से कैसी सेल्फ टॉक, किस तरीके की आपकी सेल्फ टॉक है खुद के साथ, ये सब बहुत मायने रखता है। इसलिए आज से उदासी भरे रहना दूर करो और खुद के फेस में बहुत बड़ी सी स्माइल लेके सुबह उठो, अफर्म करो यस आज का दिन मेरा बहुत बेहतरीन जाने वाला है, और फिर देखो किस तरीके से ये सिर्फ एक अफर्मेशन आपको 24 घंटे चार्ज करेगी, आपकी एनर्जी लाखों लोगों को फील होगी और आपको भी। टिल देन सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, बाय बाय।